एसआरसी के मतलब अगर आप गाड़ी पे जाओगे, गाड़ी का आपको डीपीओ अप्रिशिएट करना है, सबसे पहले आप इंजन मैनेजमेंट पे जाओ और उसके बाद में अप्रिशिएट करना है तो आपको पहले सूट मास देखना है कि आपका सूट मास कितना है। अगर 37 ग्राम से ऊपर है तो आपको रिसेट करना है, वरना आप रूटीन में जाके उसको आप रिजनरेशन कर सकते हो। उसके बाद राइट डाटा पे आप क्लिक करो, यहाँ पर राइट डाटा लिखा हुआ है जैसे जहाँ से इंजेक्टर कोडिंग होता है, यहाँ पर ऊपर में डी पी एफ राइट लिखा हुआ है, डी पी एफ राइट पर जाके आप डी पी एफ रिसेट कर सकते हो। अगर यूरिया आपको टैंक लेवल रिसेट करना है तो यहाँ पर एस सी आर वन लिखा हुआ है, एस सी आर वन पर जाके आप आप अपना उसको रिसेट कर सकते हो। यूरिया रिसेट यहाँ पर टैंक लेवल रिसेट लिखा हुआ है, यहाँ से यूरिया रिसेट होता है। अगर आपको डी पी एफ रिसेट करना है तो यहाँ पर डी पी एफ रिसेट पर जाना रहेगा, डी पी एफ रिसेट पर सीधा चले जाओ और यहाँ पर लिखा हुआ है रिसेट डी पी एफ रिसेट, इस पर क्लिक करो और सक्सेसफुल आपका हो जाएगा डी पी एफ रिसेट, बीच में आ जाएगा लिख के। और अगर आपको रिजनरेशन करना है तो रूटीन पे क्लिक करो, यहाँ पे रूटीन लिखा हुआ नीचे और यहाँ पर लिखा हुआ है चेक प्री कंडीशन, यहाँ पर कोई भी रेड नहीं आना चाहिए और गाड़ी आपको कुछ देर स्टार्ट रखनी है, उसके बाद सीधा आपको रिजनरेशन कर देना है। यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है, इसको बैक करेंगे और दोबारा से जाएंगे क्योंकि वहाँ पर रेड आ रहा था और उस गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए, हमारी गाड़ी स्टार्ट है क्योंकि यहाँ पर हमारा शो कर रहा है, हम इसको ओके कर देंगे, यस कर देंगे। रिजनरेशन हमारा यहाँ से देखो स्टार्ट हो गया, यहाँ पर रिजनरेशन स्टार्ट सक्सेसफुली दिखा रहा है, हमारा रिजनरेशन चल रहा है, हीट अप स्टेट टू। ये रिजनरेशन चल रहा है हमारा, ये हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा 15 मिनट से 20 मिनट का, उसके बाद सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा, फिर हम चाबी ऑफ कर देंगे, उसके बाद फिर चाबी ऑन करेंगे, डीटीसी कोड क्लियर करेंगे, हमारा रिजनरेशन कंप्लीट है।